ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है TVS की एनटॉर्क 125 XP। ये XP मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर मिलने वाला है। तो ये एनटॉर्क जो है एक्स्ट्रा पावर रखती है अगर आप नॉर्मल एनटॉर्क के मुकाबले बात करें तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये स्कूटर दिखती कैसी है, प्लस एक्स्ट्रा पावर आपको कहाँ पर काम आएगा और क्या क्या चेंजेस हैं, और ओवरऑल ये स्कूटर है कैसी, किसके लिए बनी है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट हेडलैम्प की तरफ से और इसमें इंडिकेटर्स जो लगाए गए हैं। तो सबसे खास बात क्या होती है कि जब आप इस स्कूटर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको मिलता है एक हजार्ड स्विच। इस तरह से इसको ऑन करने के बाद आपके चारों इंडिकेटर्स जो है वो लगातार ऑन होते रहेंगे। तो ये खास अच्छी लगती है, ये जनरली हमें कार में मिला करती है या फिर अच्छे बाइक्स में मिला करती है, लेकिन यहाँ पर एक स्कूटर में मिला करती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये स्कूटर जो है वो प्रीमियम है थोड़ा सा, तो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आइए इसको बंद करते हैं और चीज़ें देखते हैं इसमें क्या खास मिलती है। तो सबसे पहले जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा इसमें LED हेडलैम्प मिलता है, जो टोटल हेडलैम्प का सेटअप है वो LED में यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। बाकी स्टिकर और डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये कैसी दिखाई देती है। एनटॉर्क यहाँ पर लिखा रहेगा, TVS की ब्रांडिंग क्रोम में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बाकी लोअर बॉडी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कैसी दी गई है। प्लस इसका एक और खास चीज़ आपको दिखाई देगा कि इसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेपरेटेड पार्ट्स में है, जैसे कि ये बॉडी अगर आप इसके मडगार्ड को भी देखते हैं तो ये पार्ट थोड़े से अलग अलग सेपरेटेड पार्ट्स में आपको दिखाई देते हैं इसके बॉडीज़। प्लस इधर भी आप देख सकते हैं तो वो अलग एक पार्ट टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो इससे थोड़ी सी मजबूत रहती है कि ज़्यादा जगह जो है गाड़ी को जो है वो फिट किया गया है। उसके अलावा हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 इंच का ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में आप एलोविल का डिज़ाइन देख सकते हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे बेहतर डिज़ाइन अगर आपको कोई सी में मिलता है तो शायद मुझे लगता है कि वो एनटॉर्क में ही मिलता है, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है बिल्कुल वो KTM की याद दिलाता है। तो अगर आप बाइक में रेसिंग बाइक अगर आपको पसंद है तो स्कूटर में ज़रूर आपको एनटॉर्क एक नज़र में ज़रूर पसंद आएगी इसके कलर कॉम्बिनेशन के कारण। आइए इसकी आगे बात करें तो अगर इसकी ब्रेक की बात करें तो ब्रेक यहाँ पे आपको रेटो पेट्रोल डिस्क ब्रेक मिलता है, जैसा ब्रेक आपको अपाची में मिलता है कुछ वैसा ही ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्टिकर भी यहाँ पे भी किया गया है अगर अलावेल पे देखेंगे तब। तो सबसे मेजर चीज़ होती है अगर आप कोई भी स्कूटर लेने जा रहे हैं तो वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो आपको मिल जाता है 155 mm का, जो कि काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें आपको लेग स्पेस कितना मिलता है, तो कुछ इतना पैर रखने का जगह मिलता है, तो कोई भी आसानी से इसमें पैर रख सकता है। प्लस आपके फ्रंट का डिज़ाइन जो है, मतलब अगर आप बैठते हैं स्कूटर पे तो आपको खुद स्कूटर कैसी दिखाई देगी, तो आप देख सकते हैं इधर डिज़ाइन नीचे का तो डिज़ाइन काफ़ी बेहतर बनाया गया है। जैसे जैसे मैं ऊपर करता हूँ इसका डिज़ाइन अच्छा ही लगता है। ऊपर से इसमें जो मिलता है डिस्प्ले, यानी कि ये जो कंसोल मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल सकते हैं, ये मिलता है गेमिंग डिज़ाइन, मतलब गेम से इंस्पायर किया हुआ डिज़ाइन आपको दिखाई देता है। जैसे हम गेम में जब गाड़ियां चलाते हैं तो यहाँ से इस तरह से बढ़ता है, उस तरह से बढ़ता है स्पीड, जिस तरह से बढ़ता है उसी तरीके से इसमें भी होती है। एक और मैं आपको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे कैसा ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भरा हुआ सा दिखाई देता है। प्लस इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रीट मोड और यहाँ पर फ्यूल एम्प्टी 1 मिनट, इस तरीके से कुछ चेंज हो जाता है। प्लस यहाँ से भी कर सकते हैं और प्लस ऐप से भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं ढेर सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि ऐप में जाके आप उसको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे आता है सभी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं बाकी नॉर्मल स्विचेस, हॉर्न, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और पास स्विच यहीं पर दिया गया है आप देख रहे होंगे। प्लस इधर हजार्ड लाइट, इंजन क्यूल स्विच आपको जनरली स्कूटर्स में नहीं देखने को मिलती हैं, जो कि आपको एनटॉर्क में देखने को मिलेगी। तो इंजन क्यूल स्विच से आप जो है बंद कर सकते हैं स्कूटर को खड़ी खड़ी, तो काफ़ी अच्छी फीचर है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट स्कूटर है, तो इन सभी चीज़ों का देखना जो है वो आम बात है, ये मिलेगी ही क्योंकि ये खास बनाने की कोशिश इसने किया ही है एनटॉर्क को। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो 3 kg का जो हुक नॉर्मल होता है वो भी, मतलब जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो भी मिल रही हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। चाबी का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया है, एक बड़ी की मिलती है यहाँ की, आपको चाबी जो है वो थोड़ी बड़ी यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए उसके नीचे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका हुक मिलता है वो हुक है ही, प्लस जो सीट का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बनाया गया है, इसमें कुछ कलर किए गए हैं तो इसके स्टिचिंग्स जो है वो रेड दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आपको एनटॉर्क लिखा हुआ दिखाई देगा जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है। सीट भी काफ़ी बड़ा है, प्लस यहाँ पे स्टेप अप टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है,
तो नॉर्मली जो वन प्लेन सीट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा ससरने की जो है संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दिया गया है, तो बैठेंगे तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता है, वो आपको कंफर्ट ज़्यादा बेहतर दे पाता है सीट। चलिए पीछे की ओर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सबसे ईजिएस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि आजकल जो फ्यूल कैप को लेकर बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें आपको फ्यूल कैप ओपन करने का जो सिस्टम मिलता है वो सबसे ईजी है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, खासकर लेडीज़ को और बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज लोगों को अगर यहाँ पे ही दे दिया जाए, यहाँ से जो है ओपन कीजिए, यहाँ से खुलेगी, इतना लंबा वायर दौड़ा के जो दिया जाता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं किया गया है। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो है वो चाबी को लगाइए और इस तरीके से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है फ्यूल लॉक जो है आपका ओपन हो जाता है। प्लस आपको अंडर सीट स्टोरेज भी ओपन करना है तो यहाँ पे चाबी लगा के अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाती है। 20 लीटर का जो है अंडर सीट स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 20 लीटर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक फुल साइज हेलमेट आराम से इसमें आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हम देखें तो एक चार्जिंग सॉकेट आपको USB टाइप का मिल जाता है और एक लाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। OBD यहाँ पे मीटर लगा के चेक किया जाता है, अगर आपके स्कूटर में किसी टाइप की कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पे वो बता देगी, क्योंकि ये BS6 आने के बाद फ्यूल इंजेक्शन इसमें ECU के कंट्रोल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं। चलिए यहाँ पीछे का लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी क्या ऑफर करती है। सबसे पहले हम टेल लैंप को देखते हैं, प्लस इंडिकेटर्स को देखते हैं, जो कि बॉडी में जैसा लग रहा है जैसे घुसी हुई हैं, अगर बाहर लटकती हुई होती है तो टूटने का खतरा होता है, लेकिन ये बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई है तो कम टूटेगी, उसका जो है खास ध्यान रखा गया है। प्लस यहाँ पे हम पीछे का भी अलॉय व्हील देखें तो ये भी आपको 12 इंच के अलॉय व्हील यहाँ पे दिखाई देते हैं, प्लस टायर, तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर स्कूटर्स में जो है वो 10 इंच में ही मिलेंगे। अगर आप पीछे के चक्के की बात करें तो वो 10 इंच में ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 12 इंच में मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपैरिजन टू अदर स्कूटर्स। आपको टायर्स भी जो मिलते हैं पीछे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने में लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी हैं, मतलब इसके ग्रिप काफ़ी अच्छे हैं, तो फिसलने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूटर्स में, जो कि सबसे ज़्यादा उसी के लिए बदनाम हुई थी स्कूटर्स 10 इंची के टायर के साथ आई थी जब, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी मजबूत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि टायर मिलता है, जिसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ किक स्टार्ट भी ऑफर किया जाता है, साइड फुट रेस्ट जो है इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलता है, 3 बल्ब आपको इसमें इंजन मिल जाता है जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये इंजन 3 बल्ब के साथ आता है और ये पावर भी ज़्यादा बनाती है, जो कि मैंने आपको बोला ये XP एडिशन है, तो XP एडिशन का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा पावर, तो एक्स्ट्रा पावर बनाती है, प्लस 0.6 PS का एक्स्ट्रा पावर, प्लस 0.3 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क आपको यहाँ पे देती है, 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क काफ़ी होता है एक स्कूटर के लिए, 10.2 PS का पावर काफ़ी होता है एक स्कूटर के लिए, तो आपको एक अच्छा खासा पावरफुल स्कूटर यहाँ पे आपके इन हैंड मिलेगा, तो 95 से 100 तक की स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है, प्लस 0 to 60 जो है वो 9 सेकेंड्स में ये पूरा कर लेती है, तो आपकी जो है 0 to 60 का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मिल जाता है, कम समय में तय करती है। चलिए इधर का मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, तो ओवरऑल इंजन का जो सेगमेंट है इधर रखा गया है वो आप देख रहे होंगे, CVTi RE इस तरह से जो है यहाँ पे साइलेंसर देखने को मिलता है और पूरी तरह से अच्छे से कवर कर दिया गया है ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। प्लस इधर से भी टायर का डिज़ाइन, एक और आपको खास चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी कि यहाँ पर एक कवर दिखाई देगा, इस पर बहुत सारे कीचड़स आते हैं तो कीचर को रोकने के लिए ये कवर दिया गया है, जो कि जनरली आपको ज़्यादातर स्कूटर्स में नहीं दिखाई देती है, तो इंजन पे ज़्यादा कम से कम जो है गंदगी आए उसके लिए ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। रिफ्लेक्टर और डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, रेस एंटॉर्क 125 का डिज़ाइन, स्टिचिंग्स राइट प्रोफाइल से भी उतनी ही अच्छी लगती है। अगर हम पिलियन फुटरेस्ट की बात करें तो वो बिल्कुल सॉलिड बनाया गया है, किसी टाइप का रबर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है, तो लॉन्ग टर्म पे काफ़ी बेहतर रहती है, ये ख़राब नहीं होती है, रबर जो है निकलने का बहुत सारा खतरा होता है, लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल प्योर सॉलिड आप बोल सकते हैं इसको। चलिए इसके बारे में मैं आपको अगर टेक्निकल बताऊँ तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्कूटर को प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको और थोड़ा आपको ऐसी चाहिए जिसमें थोड़ा अच्छा पावर हो, तो उस हिसाब से आप रेस XP को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पावर ज़्यादा अच्छा मिलते हैं, प्लस इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ऑफ़र किए जाते हैं TVS कंपनी की तरफ से एंटॉर्क में, तो आप उस कारण से भी इसको देख सकते हैं। ये जनरल से थोड़ी हटके, थोड़ी स्टाइलिश, थोड़ी पावरफुल स्कूटर आपको देखने को मिल जाती है, प्लस इसके टायर्स भी बड़े हैं तो इसका जो ग्रिप है वो भी आपको यहाँ पर बेहतर मिलेगा। तो अगर आप ये स्कूटर देखना चाहते हैं तो ऊर्जा TVS पटना में आ सकते हैं, पटना के अगर आप हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल करके इसका प्राइस भी पूछ सकते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय इसका प्राइस कितना है और आप खरीद सकते हैं।
बाय बाय।